इतिहास में कक्षा 12वीं के अंतर्गत उपनिवेश और देहात सरकारी अभिलेख को अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि जिस तरह से पहाड़ियाँ जो हैं वह किस तरह से आए थे और किस तरह से जमींदारों का कार्य था, उसी तरह से आज हम देखेंगे भाग दो। इसमें देखेंगे संथाल अगुवा वासिंदे। ये संथाल कौन से थे? ये संथाल जो थे 1810 के अंत में गुजरिया पहाड़ के अंदर राजवंश श्रृंखलाओं का एक जो था एक भाग था। इसके साथ साथ ये चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर एक गांव में ये पहुंच गए थे और साथ ही साथ संथालों जो कृषि के लिए जो है उन्होंने अपनी सीमाएं जो हैं काफ़ी बढ़ा ली थी, जिसके साथ वे पहाड़ी लोगों के साथ नीचे के ढालों पर भी वे रहते थे और जंगलों का साफ करके वे वहां पर बस गए थे। और संथाल लोग जो थे राजमहल की पहाड़ियों तक कैसे पहुंचे, अब इसमें हम देखेंगे कि 1780 के दशक के आसपास ये बंगाल से आने लगे थे और साथ ही जमींदार लोग के साथ खेती करने लगे थे। और इस तरह से जो उन्हें जंगलों के महलों में बसने के लिए निमंत्रण भी दिया गया था और ब्रिटिश लोग जो पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी संथालों को ज़मीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया था। उसी तरह से 1832 तक भी जमीन के काफ़ी बड़े इलाके जो थे दामिनी को के रूप में सीमांकित किया गया था, मतलब ये जगह जो था वह संथालों को वहाँ पर बसाया गया था। फिर जब संथाल महल की पहाड़ियों में राजमहल की पहाड़ियों में जब वे बसे तो पहाड़िया लोग जो थे प्रतिरोध करने लगे और इसके साथ साथ वे भीतर की ओर भी चले गए थे, महल के की ओर वे बढ़ने लगे थे। इस तरह से पहाड़ियों और घाटियों के नीचे की ओर आने से उनको रोक दिया गया था और पहाड़ियों और चट्टानों से अधिक बंजर इलाकों में उनको भीतरी शुष्क भागों तक उनको सीमित कर दिया गया था। फिर 1850 के दशक तक संथाल लोग जो थे लोगों को महसूस करने लगे थे कि अब उनका एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहाँ उनका शासन हो वहाँ जमींदारों और साहूकारों के एक अपने राज होना आवश्यक हो गया था। फिर बुकानन का विवरण, जो बुकानन था उनने क्या विवरण किया है उसकी जानकारी के आधार पर हम देखेंगे। उसने जो अपने रिपोर्ट में पढ़ने के समय हमें बहुत सारी चीज़ें लिख कर दी है, हम इसको भूल नहीं सकते क्योंकि वह एक ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था जो उसने अपने यात्राओं के दौरान जो है केवल भू दृश्यों से प्यार अज्ञात खोज से प्रेरित नहीं था बल्कि वह नक्शा नवीसों सर्वेक्षकों पालकी उठाने वाले कुलियों आदि से वह मिलकर ये सर्वत्र यात्रा करता था और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें देख खुली आदि से बड़े उसमें सर्वत्र यात्रा करता था और साथ ही साथ इसका खर्च जो था इसकी यात्राओं का खर्चा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। और बुकानन जो प्रत्याशित रूप से इकट्ठे जो था सारी जानकारियां जो है वह इकट्ठी करता था और अपने लोगों को फौज के साथ साथ गाँव में भी जाता रहता था। फिर उसके बाद देहात में विद्रोह और मुंबई दक्खन, मतलब जो देहात में जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर राजमहल पहाड़ियों ने पहाड़िया संथाल लोगों ने अपने जीवन किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था यह सारी चीज़ें वो देख रहे थे और उसके अपने दृष्टिपात भी हो रहा था और पता लगा रहे थे। इस तरह से उन्होंने विद्रोह होना नाजुक क्योंकि वो समझ गए थे कि अब यहाँ पर हमारी स्थिति ठीक नहीं है। फिर लेखा पहिया जला दी गई थी। यह आंदोलन पूना के जिले के एक बड़े गाँव सूपा से शुरू हुआ था और यह सूपा एक विपणन केंद्र था, मतलब एक मंडी था जहाँ पर अनेक व्यापारी साहूकार रहते थे। और 12 मई 1875 के आसपास ग्रामीण इलाकों में रैयत किसान भी इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने साहूकारों के बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए हमला बोल दिया था और उनके बही खातों को जला दिया था। इस तरह से अनाज और सारी चीज़ें भी उन्होंने लूट ली थी। फिर एक नई राजस्व प्रणाली, ये हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था इस्तबारी बंदोबस्त, जिसमें कि राजस्व की एक नई प्रणाली को लागू किया था। ये ऐसा क्यों किया गया, इसका एक कारण यह था कि 1810 के बाद जो खेती की कीमतें जो बढ़ गई थी और उपज के मूल्य में भी वृद्धि हुई थी, इससे बंगाल के जमींदारों आमदनी का इजाफा हो गया था, इसलिए इस्तबारी बंदोबस्त के तहत इसको तय किया गया था। फिर देखेंगे राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। यहाँ पर राजस्व की मांग जो है बढ़ती जा रही थी और किसान जो है कर्ज में दबते चले जा रहे थे। जो राजस्व बंदोबस्त था 1820 के दशक में किया गया था और राजस्व जो था इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों में किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में
चले गए थे, मतलब गांव के जो किसान थे वे बाहर जाने लगे थे। वर्षा भी कम होती थी या ज़्यादा होती थी, सबसे बड़ी समस्या यह थी जब वर्षा नहीं भी होती थी, खराब फसल होती थी तो भी किसानों को राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। और जो कर्मचारी होते थे, जो प्रभारी कलेक्टर होते थे उस समय के, वे अपनी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करने के लिए, अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उनको परेशान करते थे और कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। इससे समूचे, कई बार तो ऐसा होता था समूचे गांव में भी जुर्माना ठोक दिया जाता था, मतलब सभी गांव को जुर्माना देना पड़ता था। फिर कपास में तेजी आई। कपास जो था 1860 के दशक में सबसे पहले ब्रिटेन ने कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली ये कपास जो थी वह चीन 3/4 भाग जो अमेरिका से आता था। और ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिका जो है कपास को यहाँ पर निर्यात करता था। और साथ ही साथ अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, इस तरह के प्रश्नों से भी वे विचलित हो जाते थे और कपास आपूर्ति के लिए वैकल्पिक भी खोज रहे थे कि यदि वहाँ से कपास नहीं आया तो हम उसका वैकल्पिक क्या उपयोग करेंगे। फिर ऋण का स्रोत सूख गया, मतलब जिन दिनों में कपास का व्यापार जो तेजी रही उस समय जो भारत के जो कपास व्यापारी थे अमेरिका के स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास को विश्व के बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे थे। इस तरह से 1861 में और बॉम्बे गजट के संपादक से पूछा गया था कि दास राज्यों को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता, मतलब पूर्ति करने वाला लंकाशायर का उसको बनाया गया था। इस तरह से भारत को कौन रोक सकता है। इस तरह से 1865 तक ऐसे सपने बंद हो गए थे और अमेरिका में गृह युद्ध भी समाप्त हो गया था और बाद में ब्रिटेन को भारतीय कपास के निर्यात में भी गिरावट होती चली गई थी। फिर हम देखेंगे अन्याय का अनुभव। जो ऋणदाता द्वारा ऋण देने वाले यदि इनकार कर देते थे, रैयत समुदाय के लोग बहुत गुस्सा आता था और वे बहुत क्रुद्ध भी हो जाते थे और इस तरह से वे गहरे गर्त में डूबे जा रहे थे। और अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता जो है पूर्ण रूप से निर्भर, ऋणदाता जो है वह पूर्ण रूप से निर्भर होता था और साथ ही साथ वह ज़्यादा नाराज भी था क्योंकि ऋणदाता वर्ग जो इतना संवेदनहीन हो गया था कि वह उनकी हालत पर भी तरस नहीं खा रहा था। इस तरह से ऋणदाता लोग जो थे देहात के प्रथागत मानकों की अति रूढ़िवादी जो रिवाजें थी उनका भी वे उल्लंघन कर रहे थे। फिर देखेंगे दक्कन का दंगा आयोग। जब विद्रोह में फैला तो ये दक्कन में फैला हुआ प्रारंभ बम्बई की सरकार ने उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थी। इस तरह से 1857 की याद में चिंतित थी बम्बई की सरकार जो थी उस पर दबाव डाला गया और दंगों के कारणों की छानबीन करने की कोशिश की गई थी। और यह रिपोर्ट जिसे दक्कन गंगा की रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों उन दंगों का अध्ययन करने से आधार सामग्री उपलब्ध कराती है कि दंगा पीड़ित जाँच में जब कराई गई तो रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों, ब्याज की दरों आदि के आंकड़े इकट्ठित किए गए और जो कि यह रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर द्वारा भेजी गई थी। फिर अब इसके बाद देखेंगे गृहकार। पहाड़ियों के जीवन में वनों का क्या महत्व था, पहाड़िया लोगों के जीवन की कोई 5 विशेषताएँ लिखिए, बंगाल के जमींदार राजस्व राशि की भुगतान में क्यों चूक गए और जोतदार कौन थे, जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की उपेक्षा और अधिक शक्तिशाली किस प्रकार थे, और संताल विद्रोह पर एक निबंध लिखिए।